सहयोगियों, मित्रों, सदस्यों। वीसबाडेन, जर्मनी से गर्मियों की शुभकामनाएं। आप में से कई लोग अब छुट्टी पर जाने के रास्ते में हैं, या आप पहले से ही वहां हैं, या साल का एक अधिक आरामदायक समय आने की उम्मीद है। और मैंने सोचा कि आप जाने और समुद्र तट पर आराम करने से पहले इस साल के पिछले 6 महीनों के बारे में कुछ शब्द कह दूं, जो बहुत ही विशेष महीने रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प उपलब्धियों से भरे हुए हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं और उस संस्करण को डालते हैं जो आपने पिछले हफ्ते पीपीटी दिवस से देखा था, जिसमें कई तस्वीरें थी जिनसे लोगों ने देखा कि हमारा पेशेवर परिवार कितना बड़ा हो गया है, और जैसे यह भी दिखाता है कि हम कितने सफल रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में बहुत खुश और गर्व महसूस करता हूँ। सकारात्मक अर्थ में गर्व, ऐसे संघ का सदस्य होने पर गर्व, ऐसे संघ को जानने पर गर्व, और इतने अद्भुत और समर्पित लोगों के साथ रहने, काम करने पर गर्व। मैं पूछता हूँ, मेरी जिंदगी कैसे विकसित होती अगर सकारात्मक मनोचिकित्सा नहीं होती, अगर मैं आप सभी से नहीं मिला होता? और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही उबाऊ जीवन होती। यह हमारे जीवन का एक बड़ा समृद्धिकरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हमारा संघ दुनिया के 57 देशों में सक्रिय है। यह दुनिया के सभी देशों का 25% है, यह एक चौथाई है। 25% देशों में एक सकारात्मक मनोचिकित्सक या सकारात्मक सलाहकार है। यह अविश्वसनीय है। हमारे पास 22 देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आपके अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्य कार्यालय में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए मैं प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों, नेताओं का बहुत आभारी हूँ। कई ने बहुत कठिन परिस्थितियों में सेमिनार किए हैं, लेकिन आप इस काम को जारी रखते हैं, और जब मैं बात करता हूँ तो वे बहुत हैं। यह अविश्वसनीय है कि आप इस देश और उस देश में इतने सक्रिय हैं। तो हमारे प्रशिक्षकों, छात्रों, प्रतिभागियों, शोधकर्ताओं, समितियों, कार्य समूहों और वहां सक्रिय सभी लोगों को धन्यवाद। और एक विशेष धन्यवाद आपकी ओर से भी हमारे मुख्य कार्यालय में हमारे प्रिय सहायकों को। आप जानते हैं, वे एक अद्भुत काम कर रही हैं और हर दिन वे वास्तव में हमें और अधिक एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आप उनके काम का बड़ा अंतर महसूस करती हैं। पिछले साल जॉर्जिया सम्मेलन के बाद इस साल मार्च में हमने इस्तांबुल में सम्मेलन आयोजित किया, जो बहुत खास था और कुछ हद तक ऐतिहासिक भी। हमने लगभग 300 लोगों को 24 देशों से एकत्रित किया। एक विशेष शाम थी जहां हमने विभिन्न देशों में संघर्ष और युद्ध के बारे में आदान प्रदान किया। इसने सभी लोगों को प्रभावित किया। हमें विश्व मनोचिकित्सा संघ के 2 अध्यक्षों को बुलाने का सौभाग्य मिला, और मैं प्रोफेसर गेस्टी और प्रोफेसर अल्फोसो से मिला, और वे कह रही हैं कि हमारा माहौल कितना शानदार रहा है, कितना महान पेशेवर परिवार है। और आपको बाहर से जरूरत होती है जो बताएं, आप इसकी तुलना कुछ अन्य संघों से करें। अब हमारे पास हमारे पत्रिका का एक नया अंक है, जिसमें 200 से अधिक पृष्ठ होंगे। कई कार्य समूह और समितियां हैं, आपसे प्रत्येक उनके स्थान पर कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हैं। वास्तव में आपके सभी योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, और यह दुनिया के 25% देशों में, तो कुछ वर्षों में क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि अगर और केंद्र हो। हाँ, धन्यवाद समुदाय का हिस्सा बनने के लिए। दुनिया अब, मानवता एक कठिन दौर से गुजर रही है, और एक दिन हम पीछे मुड़कर कहेंगे कि वह एक विशेष समय था और अब वह खत्म हो गया है।
लेकिन अभी हम उसके बीच में हैं कि क्या करें। मुझे लगता है कि रहस्य नहीं है कि अगर सकारात्मक मनोचिकित्सा का अस्तित्व नहीं होता तो आज इसे आविष्कृत करना पड़ता। हम सभी हर दिन यही महसूस करते हैं और देखते हैं कि लोग अवधारणा मार्गदर्शिका की तलाश में हैं, जो उनके अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सके। और यही हम दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे नहीं पता आपके लिए कैसा है, लेकिन मेरे लिए एंटीडिप्रेसेंट जैसा है। मैं कभी उदास होता हूँ, लेकिन अगर मैं महसूस नहीं करता तो मैं उन सभी देशों के नक्शे को देखता हूँ जहाँ हमारे सहयोगी हैं, और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हम जो कर रहे हैं वह अद्भुत है, इसलिए योगदान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अब जल्द ही अपने छुट्टियों की तैयारी में मैं भी लगा हुआ हूँ और सब कुछ तैयार है। हम आपके साथ एक छोटा वीडियो साझा करना चाहते हैं, जिसे हमने पीपीटी दिवस के दौरान एकत्र किया था, जो वास्तव में हमारे संघ की विविधता में एकता को दर्शाता है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आशा है कि आप जहां भी हैं, गर्मियां आरामदायक हों, या कुछ दिन मिलेंगे जहां आप पिछले 6 महीनों पर विचार कर सकें और इस साल के दूसरे हिस्से के लिए ऊर्जा के साथ वापस आ सकें। शुभकामनाएं।